चुहाना कान ने कैसे लगाया अपने बाप को चूना आज हम जानेगी। तो दोस्तों न्यूयॉर्क का सबसे बेस्ट सबसे महंगा एकेडमी से सुहाना खान ने एक्टिंग सीखी और उसने क्या एक्टिंग सीखी वो आपको द आर्चिस नाम का फिल्म में देखने मिलेगी। तो देखो। हेलो सगहेड। मेरा नाम जगहेड है। व्हाट्स द एस फॉर? सैंडविच। हाय। हेलो। हेलो। इतने हैंडसम कब हो गए? ये सीन देखने के बाद शाहरुख खान ने टीवी पे विमल थूक के मारा। इतने हैंडसम कब हो गए? अरे बस कर भाई। कैसा एक्टिंग जी, कैसा एक्टिंग, अभी और देखो। और कल के लिए I'm sorry. You should be, you forgot me. No, don't say that. तो फिर क्या बोलूं? Just forgive me, please. Okay, fine. सुहाना खान के सिर्फ शक्ल शाहरुख खान से मिलती लेकिन इसका एक्टिंग टाइगर श्रॉफ से भी गंदी। तो सबसे बड़ी बात द आर्चिस जो फिल्म है इसमें सुहाना खान को जो रोल मिला है उसमें उसको एक्टिंग करना है एक बहुत बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन के बेटे का। ये मतलब ये तो वही बात हुआ कि बकरी को बकरी का रोल मिला लेकिन इसने वो भी अच्छे से नहीं किया। अब एक्टिंग छोड़ो, इसी की डांस देखो। चक धुम धुम चक धुम धुम चक मोए 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 ये डांस है। ये डांस देखने के बाद शाहरुख खान ने सीधा टीवी बंद कर दिया और सलमान बॉय को फोन लगाया और जो भी उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ वो लकीली हमने रिकॉर्ड किया, हम आपको सुनाएंगे। तो सुनिए। हे सलमान, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए। क्यों, क्या हुआ शाहरुख? आखिर देखना मेरी लाइफ, कभी बेटा जेल जाता है तो कभी बेटी गंदी एक्टिंग करके मेरा नाम खराब करती है। सही कहा, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसे बच्चों को घर से बाहर निकाल देता और दारू पी के फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देता। बच गया साले। चलो सुहाना खान तो खराब एक्टिंग किया ही किया लेकिन ये जो आर्चिस द आर्चिस फिल्म है इसमें और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चों को चांस दिया जैसे कि श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर। अभी तुम इसका भी एक्टिंग देखो। I think my father was also just doing his job. वो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस करते वक्त अपनी फीलिंग्स को अलग रखना पड़ता है बिकॉज इट्स नॉट पर्सनल। जिन्हें पर्सनल का मतलब नहीं पता है वो और क्या कहेंगे? Excuse me? मेरे फादर बस बुक्स नहीं बेचते, वो बच्चों की सोच को उनकी पर्सनालिटीज को शेप करते हैं। ही एक्चुअली केयर्स अबाउट। इससे अच्छे एक्टिंग स्कूल के बच्चे ड्रामा में करते। बटर नहीं, सड़े हुए मटर पैक के मारने चाहिए इसके मुंह के अंदर। इससे अच्छे एक्टिंग हीरो आलोम करता जी। एटलीस्ट उसका शक्ल देख के हंसी तो आती। 10 मिनट से ऊपर फिल्म देखने वालों को पैसा दिया जा रहा जी, इतना बोरिंग फिल्म। और आपको बता दूं कि ये फिल्म पूरी सिर्फ 7-8 लोगों ने ही देखी और वो ये लोग है। डायरेक्टर खुद 15 मिनट में सो गए जी। तो चलो अगले वीडियो में मिलते जी। थैंक यू।